श्री शिवाय नमस्तोऽयम् हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा 26 तारीख को है या 27 तारीख को है? कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आपको कब रखना है? कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। आज की इस पूरी वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, चावल के ऊपर पत्ता रखना और जो आपकी इच्छा होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे में आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि नदी सरोवर के पास आप नहीं रहते हैं, यदि नदियों के जल से आप अपने घर पर ही स्नान करते तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद आपको दान जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे भगवान विष्णु ने मटकी अवतार धारण किया था, यह अवतार भगवान को वेदों की रक्षा के लिए और अंत तक सप्त ऋषियों और अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था। देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है वो एक वजह से नहीं, कई वजहों से खास होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। 26 नवंबर रविवार को देव दीपावली का यानी कि चौमासी 14 का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मणिकर्णिका की घाट पर लाखों दीप जलाएंगे और 27 नवंबर को पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 27 नवंबर को ही किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर रविवार के दिन दोपहर में 3:53 पर और 27 नवंबर को सोमवार के दिन दोपहर में 2:40 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि हमेशा उदय काल की ही मान्य होती है क्योंकि स्नान दान उदय काल में ही किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, काल के अनुसार स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 27 नवंबर को ही मनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज की पूरी वीडियो हम आपसे जो विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, तो वह उपाय आप दोनों दिन यानी कि 26 नवंबर या 27 नवंबर दोनों ही दिन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो उपाय को अगर आप 27 नवंबर को करेंगे तो बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सोमवती पूर्णिमा हो जाती है। अगर 27 तारीख को देखा जाए तो सोमवती पूर्णिमा पर हम चावल के उपाय तो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की पूरी वीडियो हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का पूरा महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और कार्तिक महीने की पूर्णिमा सबसे ज्यादा विशेष होती है। यदि घर में कोई भी बच्चे हैं और उनका जो मन है वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा सोचता है, देखिए दोस्तों, जिनका चंद्रमा कमजोर है तो उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये चंद्रमा का जो उपाय हो सके तो आपको सोमवार के दिन ही करना है। तो देखिए दोस्तों, सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित होता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, हो सके तो यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। देखिए दोस्तों, रविवार के दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सोमवार के दिन करेंगे तो सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको मात्र चावल के 11 दाने ले लेने हैं या फिर आप 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं। कम से कम आप 11 चावल के दाने ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 108 चावल के दाने ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको चावल के दाने लेना और आपको पीपल का पत्ता लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझना, आप पीपल का पत्ता नहीं तोड़ पाते हैं तो नीचे गिरे हुए पत्ते का आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रविवार के दिन में आप गिरा हुआ जो पत्ता है उसे लेकर के आ सकते हैं या फिर सोमवार के दिन गिरा हुआ जो पत्ता है उसे लेकर के आ जाना। तो देखिए दोस्तों, यह पीपल के पत्ते से ही उपाय होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिलता है तो आप यह उपाय नहीं कर सकते, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, एक पीपल का पत्ता और साथ में अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने। तो देखिए दोस्तों, स्टील के पात्र के अंदर आपको कच्चा दूध लेना और आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। चारों सामग्री आपको तैयार कर लेनी है और ये चारों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पीपल का पत्ता है, अगर आप जमीन से गिरा हुआ पीपल का पत्ता लेकर के आए हैं या फिर तोड़ करके भी लेकर के आए हैं, तो आपको सबसे पहले इस पत्ते को साफ करना यानी कि शुद्ध जल से धोना, उसके बाद ही आपको उपयोग करना है। और पीपल का पत्ता आपको आज के दिन यानी कि आपको पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए दोस्तों, पीपल का जो पत्ता है वो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का विशेष दिन आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको पीपल का पत्ता रखना है और आपको पिपलेश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये पीपल का पत्ता जो है वो आपको उल्टा रखना है, यानी कि जो चिकना वाला भाग है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 11 चावल के दाने या 108 चावल के दाने हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का, अगर आपके पास 11 चावल के दाने तो ओम नमः शिवाय का 11 बारी आपको जाप करना है। अगर आपके पास 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हैं तो आपको 108 बारी ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपको ये चावल के दाने उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देने यानी कि शिवलिंग के ऊपर रख देने। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 1 लोटा दूध है यानी कि आपको स्टील के पात्र में दूध लेकर के आए, वो आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों,
दोस्तों अब आपके अपने साथ जो एक लोटा कच्चा दूध लेकर के आए थे वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर उन्हीं चावलों के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको चंद्रमौली महादेव जी का अपने मन में लगातार स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों आपको कच्चे दूध से इस प्रकार से अभिषेक करना है। देखिए दोस्तों चावलों के ऊपर वो कच्चा दूध पड़ेगा और भगवान शिव जी का अभिषेक होगा उसी दूध से, और अंत में आपके पास जो एक लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर देखिए दोस्तों आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, वह आपको बोल देनी है भोले बाबा से, वहीं पर प्रार्थना कर लेनी है भोले बाबा और विष्णु भगवान जी से। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु ने कहा है इस उपाय को करने मात्र से आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने से आपको चूकना नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।